चलिए दोस्तों, आज हो चुका है सैटरडे और भाई इवनिंग भी हो चुकी है। मौसम आज का इतना गंदा था कि आप दिन में बाहर जा ही नहीं सकते, इतनी भयंकर वाली धूप थी आज। तो अभी इवनिंग हो चुकी है, 5:30 बज चुके हैं और आज मैं यास्मीन को दूंगा एक सरप्राइज। मतलब कहीं हम लोग आउटिंग के लिए जा रहे हैं, उसको पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो बहुत प्यारा सा एक कैफ़े मैंने देखा है, वहाँ पर हम लोग आज जाएंगे क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग बाहर नहीं गए हैं। तो आई थॉट कि चलो आज कहीं बाहर चलते हैं, डिनर एंड एवरीथिंग आज हम लोग इंशाल्लाह बाहर ही करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। यार जो ब्लैक शर्ट है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने के अंदर, लेकिन इसमें मुझे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है क्योंकि गर्मी भाई चरम लेवल के ऊपर है। और तो मुझे लग रहा है इसको मैं उतार के कोई सिंपल सा एक टी शर्ट अभी पहन लूँगा। अभी एक बार यास्मीन आ जाए नहा के, उसके बाद देखता हूँ अगर कुछ और मिला ढंग का तो जो है मैं वो चीज़ पहन लूँगा, क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लग रहा है मुझे ये। चलिए जी, हम हो चुके हैं रेडी, बहुत प्यारे से देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। रेल दिखाओ तो, आओ ना साथ में। दिखा दिया ऑलरेडी। आप दिखा चुके हो? तो भाई ऐसा है, मैं इसी को पहन रहा हूँ बिकॉज अभी शाम हो चुकी है, मतलब कोई बात नहीं, चल रहे हैं गर्मी। मुझे राहिल का ये ब्लैक शर्ट बहुत बहुत पसंद है, इसीलिए पहना है इसको मैंने, वरना पहनता नहीं। हाँ, मुझे मैंने इनसे ये कहा था कि मुझे इसमें बहुत अच्छी लग रही है, बट आई वाज लाइक चलो ठीक है यार देख लें। ठीक है, अब मैं देखो, मैंने अभी जो ड्रेस पहनी है ना, मैं एक बार मेरी ड्रेस दिखा दीजिए एक बार। ठीक है, ये वाली ड्रेस मैंने अभी पहनी है, आप देख लो ये फ्लेयर पैंट्स है और ऊपर टॉप है। लेकिन मैंने जो ड्रेस ऐसे मंगवाई थी स्पेशली कि अगर मैं कहीं बाहर जाऊं सरप्राइज पे, ठीक है, तो उसके लिए कुछ अच्छा सा गाउन है, लेकिन वो गाउन मम्मा के यहाँ है और एक बार उसको वो ही पहनूंगी आज। चलिए जी, अब निकल चुके हैं, रेडी हो चुके हूँ, ये वाला न्यू सन ग्लासेस भी पहन लिए, बताना कैसे लग रहा है। ठीक है, अब बस जल्दी से पहुंच रहे हैं, ये ले रहा है। गर्मी हो रही है, खैर बाहर बहुत ज्यादा हो रही है, अंदर तो गाड़ी में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पता चलती, उमस हो रही है, बहुत तेज बारिश आएगी। हाँ, ऐसा मैं कह रही हूँ ना, बारिश आएगी, ये नहीं पता कब आएगी लेकिन आएगी। ऐसे मतलब दिन दहाड़े कौन रोड डालता है, इतना ट्रैफिक जैम कर दिया, रोड भी डल रहा है, गाड़ियां भी जा रही है। ये क्या हो रहा है, ये देखो अब, वाह 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 क्या बात है। लेकिन यहाँ से रास्ता बिल्कुल बंद किया हुआ है, रोड डल रहा है ना, तो मम्मा के तो नहीं जा रहे हैं, हम आते टाइम इंशाल्लाह मम्मी से मिलते हुए ही जाएंगे। और अभी बस डायरेक्टली निकल रहे हैं, तो गाउन पहनने वाला जो था वो ड्रॉप करते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एज पर माय हस्बैंड सेड कि मैं अच्छी लग रही हूँ, इसमें भी अच्छी लग रही हूँ। तो शौहर की रजामंदी जिस चीज में, उसमें खुश रहना चाहिए। तो बस हम ऐसे ही चलते हैं वहां। कौन सा कैफे चल रही है तो बता दो, पता लग जाएगा भैया, चल रहे कैफे नहीं बता रहे यार, कौन सा कैफे। गाइस इतनी क्यूट गाड़ी है ना, इसको देख लो, इसमें सारे दो लोग बैठ सकते हैं यार, बहुत छोटी है, कितनी अच्छी लग रही है। कमेंट गाइस, इतना ज्यादा ट्रैफिक जैम हो रहा है ना, हम ऑलमोस्ट 1.2 इतने आर समय हो चुके हैं ट्रैफिक के अंदर। और वहां तो इतना ज्यादा था ना दिल्ली हाईवे पे, कि मम्मा के घर भी नहीं जा पाए, वो इतना ज्यादा दिल्ली हाईवे पे इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम था। और अभी जो है राजा पार्क जा रहे हैं, अल्लाह इतना जबरदस्त, आज शायद गाड़ी चला चला के बोर हो गया, क्योंकि गाड़ी चला के बोर हो गया ये तो। और आज शायद तीज है इसलिए, तो सबको हैप्पी तीज। ठीक है, हमें मुझे आज नहीं पता था, मुझे अभी पता चला है, क्योंकि सबने कहा कि इन्होंने मुझे बताया कि आज रैली वगैरह निकल रही है जो तीज की यात्रा निकलती है। चलो जी, अब मैं लेके आता हूँ समोसे नूडल्स वाले, यहाँ बहुत ही फेमस एक शॉप है ठग्गू के समोसे, मैं वो लेके आता हूँ और दिखाता हूँ आपको। नूडल समोसे है ना, मैं बताऊँ मुझे सिर्फ स्कूल में मिलते थे और इन्होंने कहा है यहाँ खिला देंगे। ये देखो, ये पिज्जा समोसा, ये नॉर्मल, ये लोगे नॉर्मल वाला, ये खत्म हो गया अभी। और ये है रेड पास्ता समोसा, हम जो है ये वाला ट्राई करने वाले हैं। खूबसूरत कैफे है ना ये, बहुत खूबसूरत। अच्छा, इसका मुझे पहले पता नहीं था,
मेरा इन्होंने भी बताया, ये वाटर कैफे है, ओपस है, गाने ओपस कैफे है। जी कैसा लग रहा है मैडम? भाई प्रॉब्लम क्या है ना, पता नहीं यहाँ पे आवाज़ आ भी रही होगी नहीं आ रही होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि म्यूजिक चल रहा है बहुत तेज़ वाला, म्यूजिक चल रहा है और लोग भी आ रहे हैं ना, इसकी आवाज़ लेकिन इतना खूबसूरत है, लेकिन वंडरफुल वंडरफुल जगह है। You'll take it into her side.